मर गए ही आ गए करला करा दे भरा नारे लवा दे आज तो पहला फोटो करा यार ये बंदे पीछे आयो प्लीज पूरा ट्रैक ले लो यार फोटो के बीच प्लीज जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इधर देख के ग्रुप सिलेक्ट कमेटी जिंदाबाद 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 ये दूसरा जोकर हेलो दूसरा जोकर जिंदाबाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला अमृतसर का प्रधान लखविंदर सिंह विराम नंगल की कारण आज जेड़ा देवीदासपुरे तो धरना चुक के अज जंडियाला स्टेशन के उपर लगाया गया की कारण है। हाँ जी ये मौसम नु वेखदे होया ठंड का मौसम शुरू हो गया वा तरेड़ बहुत ज़्यादा पैंदी आ चानिया जिहड़ियां लाइया ही वो उत्तों करंट जिहड़ा वा बड़ी हाई पावर का करंट लंघदा वा ते उहदे नाल तरेड़ दे नाल करंट जिहड़ा वा चानिया विच आउंदा सी ते उहदे विच कोई भी नुकसान होण दा खतरा सी। दूसरा ठंड बहुत ज़्यादा हो गई आ, तीसरा कल नूं जे बारिश होई ते उत्थे फिर जिहड़ा उपन दे विच बहुत औखा सी। इह सारियां गल्लां नूं मद्देनज़र रखदे होए उह जगह नूं शिफ्ट करके आ जंडियाला गुरू दे जिहड़ा रेलवे स्टेशन दे आ गए आ, क्योंकि इत्थे जिहड़े ने शैड वगैरह थोड़े बहुते बणे ने ते उहदा करके जिहड़ा वा इत्थे शिफ्ट कीता गया। वेखो जी जदों किसान पंजाब दा किसान मजदूर पूरा जिहड़ा लड़ाई दे मैदान दे विच आ, क्यों मैदान दे विच आ कि जो केंद्र दी सरकार मोदी साहब दी सरकार ने काले कानून लियांदे खेती वाले वो बहुत घातक ने ते घातक ना हो करके मौत दे वरंट ने। इस करके किसान मजदूर बीबियां नौजवान लगातार संघर्ष के मैदान से अज बच्चे भी जिहड़ा वा उस संघर्ष नूं वधाउण वास्ते जिहड़े आ कि असीं भी तुहाडे नाल बैठे हाँ लगातार संघर्ष दे विच रहांगे। जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं हुंदे बच्चों के अपने मूँह सुन लो इस गल नूं मन तैयार आ। दूसरा वो कहिंदे भी साडे जदों माँ बाप लगातार रेल ते बैठे ने असीं घरां दे विच कल्ले आ ते असीं जिहड़ा वा मोदी साहब नूं जिहड़ा वा बच्चों की भाषा वा भी मोदी अंकल जी नूं आपां बेनती करदे आ कि जिहड़े ऑर्डिनेंस कानून ने काले रद्द किए जाण ते साडे माँ बाप साडे कोल आउण। ये बच्चों का जिहड़ा कहना बच्चे खुद कहंदे ने ते संघर्ष लगातार जारी रहेगा जी। तरन चुग वालों जिहड़ा एक बयान जारी किया गया वा कि जिहड़े किसानां ने पुतले फूके आ उन्हां किसानां दे उपर परचे दर्ज होने चाहिए, की कहना चाहोगे तुसीं? आ वेखो जी बड़ी सीधी सादी गल आ कि जो भाजपा की सरकार ने काले कानून लियांदे मोदी साहब ने उस दे तहत ही वह कदी तो किसानों नूं बचोलीए कहंदे ने, कदी किसानों नूं ड्रामेबाज कहंदे ने, कदी किसानों नूं आतंकवादी कहंदे ने। हाँ जी उस दे तहत ही जिहड़ा वा कई कुछ कही जांदे ने। जिहड़ा अपना दशहरे दे टाइम ते लोकां दे विच रोह सी, विद्रोह सी, गुस्सा सी, उन्हां ने दशहरे दे नां ते मोदी सरकार ते मोदी दी जुंडली दे अंबानियां अडानियां दे कारपोरेट घराणियां दे पुतले पिंड पिंड घर घर महल्ले महल्ले दे विच जिहड़े फूके ने। चुग साहब जी जिहड़े कहिंदे ने परचे दर्ज करांगे, परचे किन्ने मर्जी दर्ज कर लैण, पंजाब दे लोक सिर्फ किसान नहीं मजदूर जिन्ने भी वर्ग ने पंजाब दे पूरे लोग जिहड़े ने इस वेले विद्रोह दे विच ने, परचे जिन्नां ते करने कर देण पर यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा ते पुतले भी लगातार फूकते रहेंगे। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਖੋਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਫੈਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਕਰਕੇ
जी मोदी साहब जिहड़े ने घबराहट दे इहो जिहे बयान देण दे ने ते पंजाब नूं भारत नालों वक्खरा करन दी आप जिहड़ी फुट पाउण दी कोशिश कर रहे आ। इह नहीं होणा चाहीदा, इह निंदणयोग आ। फिर इहनां बयानां ते विचार करके ते जो सही फैसला वा इत्थे बहिण दी लोड़ ही नहीं आ किसानां नूं, किसी बीबिया बच्चों नू, रेलों पर आने की लड़ ही नहीं आ कि वो जे काले कानून तुम बनाए उन्होंने रद्द कर लो। जे लोगों को माफ़ ही नहीं आ तो जबरदस्ती उन्होंने क्यों फायदा कर रहे जी? जे फायदा हों ते फिर तिहाड़िया भाईवाल पार्टियां तुहानू छड छड के ना आउंदियां ते तिहाड़े भाजपा के आगू भी जड़े आ वो लगातार पंजाब दे विच इस्तीफे दे के छड के आउंदे ने, उहदे ते विचार करना बनता। ये असीं आ ते बरसी संघर्ष जिहड़ा लगातार चलूगा जिन्ना चिर काले कानून जिहड़े रद्द नहीं हुंदे भावे जाना क्यों ना देणियां पैण। नाम गुरसाहिब सिंह, अज अं अपने माँ प्यो नूं इत्थे मिलन आए हाँ। असी मेरे माँ प्यो नूं काफ़ी दिनों चले इत्थे आए नूं, असी अज अपने माँ प्यो नूं मिलन आए हाँ। असी मोदी अंकल नूं रिक्वेस्ट करते हाँ जो 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 फैसले दिते गए वो आप वापस ले जाण। सिमरन, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह ते क्लास छेवीं ते मेरे माँ प्यो इत्थे बहुत चिर दे ते इत्थे धरने ते बैठे न, रेलां ते बैठे न ते असी उन्हां नूं मिलने अज आए हां ते असी साढ़े मंडियां खोईयां जा रहीआं नाल साढ़े खेत खोए जाण पैलियां खोईयां जा रहीआं न ते मोदी ने जिहड़े काले कानून बनाए ने असी उन्हां नूं रद्द करन वास्ते अज आए हां। आवाज़ी कम टीवी लई अमृतसर तों ललित शर्मा दी रिपोर्ट।